বাঙালির শারদ উৎসব কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা শেষে হিন্দু ক্যালেন্ডার মতে কার্তিক মাসের চতুর্থ তিথিতেই মূলত এই পুজোর রীতি পালন হয়। এবার আসি এই করওয়া চৌথ, যা ধর্মীয় মানে হচ্ছে হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের স্বামীর মঙ্গল কামনায় ব্রত ও উপবাস। এই ধর্মীয় উৎসব বাঙালি সমাজে খুব একটা প্রচলিত না হলেও উত্তর ভারত অর্থাৎ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের মতন রাজ্যে করওয়া চৌথ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উৎসব। এই অবাঙালি ধর্মীয় উৎসব অনেকটা শিবরাত্রির মতোই। করওয়া চৌথেও স্বামীর মঙ্গল কামনায় সারাদিন স্ত্রী নির্জল উপবাস থাকেন। রীতি অনুযায়ী করওয়া চৌথের দিন সূর্য উদয় থেকে শুরু হয় এই নির্জল উপবাস সূচনা, যা চাঁদ ওঠার পরেই তবে উপবাস ভঙ্গ করার প্রথা প্রচলিত। বিবাহিত মহিলারা এদিন নতুন লাল শাড়ি পরে ব্রত কথা, ধর্মীয় গান শুনে দিন কাটান, সঙ্গে পার্বতী, শিব, গণেশ এবং কার্তিকের পুজো করা হয়। অবাঙালি হলো পাহাড়ি মিশ্র সবুজ ত্রিপুরা, যেমন নানা রং ভাষার নানা রাজ্য, তেমনি উৎসবের ক্ষেত্রে মিশ্র উৎসবের রাজ্য ত্রিপুরা। তাই অবাঙালি হলো ত্রিপুরা রাজ্য ঘটা করে মূলত এই রাজ্যে বসতকারী উত্তর ভারতীয় অবাঙালি হিন্দু বিবাহিত মহিলারা পালন করলেন করওয়া চৌথ উৎসব। सरगी खाते हैं, उसके बाद हम सारा दिन फास्ट रखते हैं। फिर जब शाम को कथा होती है उसके बाद हम चाय पी लेते हैं और रात को चंद्रमा की, जब चंद्रमा आते हैं उनकी पूजा करके फिर पति जी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम अपने फास्ट को खोलते हैं। ये जो फास्ट है ये हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, जो कि परंपरा के तरीके से चलता आ रहा है। क्यों किया जाता है ये? ये देखिए, इसलिए किया जाता है, ये त्यौहार का नाम है करवा चौथ। ये शरद पूर्णिमा के बाद जो चौथ आती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मेनली करवा माता के लिए व्रत रखा जाता है, अपने सुहाग, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, जिसमें हम करवा माता के लिए करवा चढ़ाते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ दे के, जल दे के, फिर हम उनसे अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। आज आप भगवान की कहाँ मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? आज ये शुभ अवसर हमें यहाँ मिला है ONGC त्रिपुरा अगरतला एसेट में। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, हमने आज सब ने निर्जला व्रत रखते हैं। हम जो सुबह से पानी भी नहीं पीते, सुबह उठ के और जब तक चांद आ जाता है तब तक हम बिना पानी, बिना खाने पीने के पूरा व्रत रखते हैं, पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे के। तो आज हम यहाँ अगरतला ONGC में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी लोग मिलके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग। और चंद्रमा के साथ क्या मंगत मने है? जी, चंद्रमा और करवा माता से हम यही मानते हैं कि हमारे परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे हस्बैंड की बहुत लंबी उम्र रहे, हम सुहागन रहे और हमेशा ऐसे ही हर साल हम करवा माता और चंद्रमा को अर्घ देके पूजा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कोबत्रपुरा।